Going to discuss aesthetic surgery. One of the most common perform aesthetic surgery is blepharoplasty. Blepharoplasty ऐसी चीज होती है कि इसमें हम जो आँख के ऊपर की skin excess skin जो होती है, तो यहाँ पे होती है और नीचे की skin जो excess skin यहाँ जो होती है, जो अलग से अतिरिक्त skin जिसको बोलते हैं वो आ जाती है। इसके कारण बहुत बार क्या होता है कि आँख ढक जाती है या नीचे की बहुत बार ऐसी swelling होती है कि बहुत बुरी लगती है, वो बहुत भद्दा रूप देती है। तो हम दोनों सर्जरी को ब्लेफरोप्लास्टी के थ्रू हटा सकते हैं। एक ऐसी सर्जरी होती है जिसमें कि हम स्किन, ये जो अतिरिक्त स्किन है और ये यहाँ पे ये जो अतिरिक्त स्किन है इसको सर्जरी द्वारा हटा देते हैं। तो उसके कारण जो हमारी आंखें खुल के सामने आती है, तो या तो ये दो टाइप की होती है, तो कॉस्मेटिक जिसमें हमको पेशेंट कोई कंप्लेन नहीं करता है, वो एस्थेटिक लुक चाहता है, एक कॉस्मेटिक लुक चाहता है कि इम्प्रूवमेंट अच्छा दिखने के लिए, तो उस केस में हम यहाँ की जो अतिरिक्त स्किन है, एक्सेसिव स्किन है, उसको हटा देते हैं। उससे क्या है, उसकी जो आई का जो अपीयरेंस है, ओवरऑल अपीयरेंस है, वो खुल के सामने आता है। दूसरी चीज़ ये है कि जो बूढ़े आदमी होते हैं, इनकी एज ज़्यादा होती है, ये जो स्किन है आंखों के सामने तक आ जाती है, जिसके कारण उनको देखने में परेशानी होती है। उस केस में हम ये जो अतिरिक्त स्किन जो सामने आई है अपर आईलिड की, उसको ट्रिम कर देते हैं, उसको काट देते हैं। इसको बोलते हैं ब्लेफरोप्लास्टी। अगर हम ऊपर की स्किन को निकालते हैं तो इसको बोलते हैं अपर लिप ब्लेफरोप्लास्टी, और नीचे की ये जो स्वेलिंग है, जो अतिरिक्त फैट जमा हो गया है, इसको निकालते हैं तो इसको बोलते हैं लोअर लिप ब्लेफरोप्लास्टी। लोअर लिप ब्लेफरोप्लास्टी में है, उसमें जो पेशेंट होता है वहाँ आँख के नीचे एक स्वेलिंग टाइप की उसको दिखती है, बोगी स्वेलिंग दिखती है। और इसमें हम क्या करते हैं कि जो आईलिड है बाहर से चीरा लगाते हैं, और कई बार आँखों के अंदर से होते हुए एक चीरा लगाते हैं। जब आंखों के अंदर से जो चीरा लगाते हैं उसमें बाहर से कोई निशान नहीं आता है, लेकिन कई बार हमको क्या है कि बाहर से चीरा लगाना पड़ता है, छोटा सा निशान आता है, लेकिन ये जो स्वेलिंग है पूरी की पूरी स्वेलिंग गायब हो जाती है। तो इसमें क्या होता है कि पेशेंट की जो स्वेलिंग है वो डिसअपीयर होने के कारण पेशेंट का जो लुक है वो बहुत इम्प्रूव हो जाता है। तो ये दो टाइप की सर्जरी होती है। अच्छा, और ऊपर की भी सर्जरी जो अपर लिप ब्लेफरोप्लास्टी, ये भी दो टाइप से होती है, एक बाहर से एक अंदर से। जो बाहर की सर्जरी है उसमें छोटा सा हम चीरा लगा कर ये जो स्किन है वो निकाल लेते हैं, लेकिन जब हम अंदर से यही सर्जरी करते हैं तो इसमें कोई भी स्कार नहीं आता, कोई भी सूचर मार्क नहीं आता। तो ये जो यंग पेशेंट है जो हम कॉस्मेटिक सर्जरी जिनमें करते हैं, तो हम अंदर के अप्रोच से करते हैं, तो इसमें कोई भी डर या कोई भी ऐसे शंका वाली बात नहीं है कि बाद में इसमें स्कार आएगा, किसी टाइप का कोई धागा रह जाएगा या कोई मार्क आएगा। थैंक यू।